तुमने स्वयं मुझे मेरी पुत्री के रूप में रहने का वचन दिया था पुत्री। आश्चर्य न करे पुत्री, वर्षों पूर्व की बात, देवी लक्ष्मी का पिता होने का इतना अभिमान। ऐ अभिमानी सागर, सुनो, ये प्रण है मेरा, एक दिन मैं भी देवी लक्ष्मी का पिता बनकर दिखाऊंगा। और तब मैंने वहीं बैठकर पुनः तपस्या आरंभ कर दी, किंतु इस बार मेरी तपस्या का उद्देश्य था देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। महर्षि वाल्मीकि। माता, माता, माता लक्ष्मी। महर्षि वाल्मीकि, आपके तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। आप संसार के समस्त सुख, वैभव एवं समृद्धि कुछ भी प्राप्त कर सकते थे, किंतु आपने जिस उद्देश्य से मेरी तपस्या की है, आप उसके अधिकारी हैं। मैं आपको वरदान देती हूँ, प्रभु विष्णुदेव जब श्री रामावतार लेंगे, मैं आपके आश्रम में आपकी पुत्री बनकर रहूंगी। मैं धन्य हो गया माता, धन्य हो गया मैं। तुम उन्हीं माता लक्ष्मी का नारी अवतार हो पुत्री सीता, जो मुझे पिता का सुख देने आई हो। मेरा आश्रम तुम्हारे चरणों की धूल के स्पर्श से पवित्र हो जाएगा। चलो पुत्री। हाँ माता, अपनी संतान के लिए ही चलिए, जिन्होंने तो अभी इस संसार को देखा ही नहीं है। उचित है, किंतु एक बात, मेरी भी एक प्रार्थना है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरी कोई भी पहचान ना तो आश्रम में, ना तो कहीं और। यहाँ तक कि मेरी होने वाली संतानों को भी नहीं बताई जा रही। तब मैं आश्रम में रहूंगी। पुत्र हनुमान, तुम भी किसी को नहीं बताओगे कि मैं कहाँ हूँ, और कभी भी अपने हनुमान रूप में मेरे होने वाली संतानों के समक्ष नहीं आओगे। माता, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनके पिता के प्रति कोई द्वेष भावना आए मेरे संतानों के मन में। जब उन्हें ये ज्ञात हो कि उनके पिता का नाम श्री राम है, जिन्होंने उनकी माता को त्याग दिया है। वचन चाहिए मुझे आप दोनों से। अभी तो बच गए वो दोनों शिशु, किंतु अधिक समय तक बच नहीं पाएंगे वो। अवसर पाते ही वो दोनों आहार बन जाएंगे मुझ शिशु भक्षी के। मेरा ये अनुरोध ही नहीं, निवेदन है। यदि आप दोनों मेरी पहचान छुपाए, तभी मैं आश्रम में रहने आऊंगी। यदि हनुमान इस वेश में आए तो सहज ही सबको ज्ञात हो जाएगा कि मैं सीता हूँ। मेरी संतानें भी यही जान जाएंगी तो अपने पिता से मिले बिना नहीं रह पाएंगी। किंतु माता, हर संतान को अपने पिता के बारे में। हनुमान, भावनाएं बहुत बलवती होती है। पिता या संतान में से किसी को भी एक दूसरे के बारे में ज्ञात हुआ तो दोनों ही एक दूसरे से मिले बिना नहीं रह पाएंगे। फिर रघुनंदन के इतने बड़े त्याग का अर्थ ही क्या रह जाएगा। मैं कदापि ये सहन नहीं कर पाऊंगी। किंतु पुत्री, मैं अपने ही आराध्य से इतना बड़ा भेद छुपाऊं? इतनी बड़ी दुविधा में मुझे मत डालो पुत्र। आपकी दुविधा भी उचित है ऋषिवर,
किंतु मैं माता के मन की व्यथा समझ रहा हूँ, इसलिए जैसा माता चाहती हैं, मैं वैसा वचन देने के लिए प्रस्तुत हूँ। माता, आपका ये पुत्र हनुमान आपको वचन देता है कि ये हनुमान आपकी संतानों के समक्ष या आश्रम में या आपके कक्ष की ड्योढ़ी के भीतर कभी अपने सत्य स्वरूप में नहीं आएगा और ना ही कोई कभी हनुमान से ये जान पाएगा कि आपकी वास्तविक पहचान क्या है माता। और माता, ना ही आपकी संतानें जान पाएंगी कि उनके पिता कौन है। यदि यही भाग्य का लिखा है पुत्री, तो मैं ऋषि वाल्मीकि तुम्हें वचन देता जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। परंतु प्रभु श्री राम मेरे आराध्य हैं, अतः उनके नाम के जाप से या तुम्हारी संतानों को श्री राम चरित्र के पठन पाठन से तुम मुझे नहीं रोकोगी। स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे रामायण लेखन एवं उसका प्रसार करने का आदेश दिया है पुत्री। ये तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरी संतानें मेरे प्रभु के चरित्र के बारे में हर एक बात से अवगत हो, उनके आदर्श और मर्यादा से प्रेरणा ले, उनके पराक्रम से सीख लेकर वीर योद्धा बने। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। चली ऋषि संग विहार भूमि जा, हस्त से मार्ग बुहारे कपिसा। किंतु घात मह राक्षस बैठा, संकट से अनभिज्ञ मां सीता। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। तुम कहीं भी चली जाओ, तुम्हारी संतानें तो अंततः मेरे ही उदर में आने वाली हैं। शिशु बच्ची से बच नहीं पाएंगी वो। ये रथ, अशुभ रथ, जिस पर मुझे भाभी माँ को घोर वन में छोड़कर आना पड़ा, इस रथ के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। रुक जाओ लक्ष्मण। क्या तुम्हारे रोष को स्वीकार है? जिस रथ पर भाभी माँ के पावन चरण अंतिम बार पड़े हो, तुम उसे तोड़ कर नष्ट कर देना चाहते हो? क्या भागा हूँ भरत भैया मैं जो भाभी माँ को? अब तो बस यही प्रार्थना है कि भाभी माँ को किसी अच्छे आश्रम में शरण मिल जाए। देव, ये तेजस्विनी कौन है जो आपके साथ यहां पधारी हैं? ये भूमिजा है मेरी पुत्री। गर्भिणी है इसलिए हमारे आश्रम आई है, अब से ये हमारे साथ ही रहेगी। पितृवर, ये तो बहुत अच्छा है, हमारे आश्रम में शिशु की किलकारियां गूंजेंगी। हाँ, बहुत आनंद आएगा। आसपास कुछ असामान्य सा प्रतीत हो रहा है मुझे। इसी ओर से ध्वनि आ रही है,
ये तो इसी ओर आ रहा है। किसी आसुरी शक्ति का आभास हो रहा है मुझे। माता को वचन दिया है मैं आश्रम के भीतर नहीं जा सकता, किंतु आसपास रहकर तो माता की सुरक्षा कर ही सकता हूं मैं। निकट ही कोई ऐसा स्थान ढूंढना होगा मुझे जहां रहकर इस पूरे आश्रम की निगरानी की जा सके। तुम निगरानी करते रह जाओगे वानर, और मैं और मैं भक्षण कर जाऊंगा शिशुओं का। छुप कर वार करना मेरी विशेषता है। आइए भूमिजा, यहाँ कुछ क्षण विश्राम कर लीजिए। ये लो भूमिजा, ये नवीन फल, इन्हें ग्रहण करो। ऐसी अवस्था में भोजन आदि का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। ये मेवे भी ग्रहण कीजिए, गर्भस्थ शिशु के पोषण के लिए ये आवश्यक है। सब माता की सेवा में लगी हुई हैं, अब मैं निश्चिंत हूँ। ऋषिवर वाल्मीकि का सानिध्य मुझे पिताश्री राजा जनक का स्मरण करा रहा है। इन सब का स्नेह देखकर लग रहा है जैसे मैं जनकपुरी में आ गई हूँ। आइए भूमिजा, आपको कुटिया में ले चलती हूँ। माता को तो यहाँ बहनें मिल गईं, पिता मिल गए, सखियां मिल गईं, किंतु अयोध्या में मेरे प्रभु न जाने किस स्थिति में होंगे। अब तो बस यही प्रार्थना है कि भाभी माँ को किसी अच्छे आश्रम में शरण मिल जाए। नहीं, मैं यहाँ सुख की शैया पर और वहां प्रिय सीते मन में ना जाने किस स्थिति में, मुझे इस सुख का कोई अधिकार नहीं। के राजा राम विवश हैं, किंतु सियापति राम नहीं। मेरी अर्धांगिनी जिन सुखों से वंचित है, मैं भी उन सुखों का उपभोग नहीं करूंगा। ये एकांत मेरी प्रिय मेरी सीते को समर्पित है। यहां तो मैं राजा राम ना रहकर मेरी प्रिय सीते का राम रह सकता हूं। सीते मेरी प्रिय। पीर हृदय की किसको सुनाए, आज व्यथित रघुराई। अब तो एकाकी होंगी माता। हे विधाता, ये आपने कैसा विधान लिख दिया है मेरे प्रभु और मेरी माता के भाग्य में। उधर प्रभु विरहाकुल होकर
अश्रुपूरित नेत्रों से माता को स्मरण कर रहे होंगे और इधर माता भी विरह में व्याकुल होंगी। हे प्रभु, कैसी विवशता है ये हनुमान की। प्रभु दुखी और माता भी दुखी और हनुमान कुछ भी नहीं कर पा रहा है उनका दुख हरने के लिए। कुछ नहीं कर सकेगा वानर, निकट पहुंच गया है ये शिशु पक्षी आश्रम के। अब तो बस उस आखेट को और लक्षित करना है और शीघ्र ही उसे भी ढूंढ ही लूंगा मैं। ये सुगंध, ये शिशुओं की सुगंध, ये शिशुओं की सुगंध तो उस ओर से आ रही है। माता की कुटिया के निकट कोई रेंगता हुआ दिखाई दिया था मुझे, क्या करूं? दूसरी ओर तो यहां से दिखाई नहीं देगा। जब तक माता कुटिया में एकाकी है, मुझे पूर्ण सतर्कता एवं सूक्ष्मता से कुटिया के चारों ओर घूमते हुए पहरा देना होगा, जिससे कि कोई आसुरी शक्ति माता के निकट ना पहुंच सके। हाँ, एक पंथ दो काज, माता की सुरक्षा का निरीक्षण भी और माता की परिक्रमा का पुण्य भी। जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम। यह अकस्मात क्या हो गया? ये तीव्र गति से क्या गया? मुझे सावधान रहना होगा। जय सिया राम। जय जय सिया राम। पुनः उड़ गया मैं इसकी तीव्र गति से। ये क्या है? जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम। अच्छा, तो ये इस वानर का किया धरा है। बड़ा आकार धारण कर नहीं सकता और छोटे आकार में इस वानर के कारण प्रवेश नहीं कर सकता। देखते हैं कब तक इसकी परिक्रमा करता है। कभी तो रुकेगा और उसके रुकते ही। जय सिया राम। 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 ये चहु और गूंजता प्रभु और पुत्री सीता का नाम। अब तो समस्त वातावरण ही सियाराममय हो गया है। इससे अधिक उपयुक्त समय क्या होगा रामायण लेखन के आरंभ का? हनुमान, ये सियाराम का नाम आपके ही श्रीमुख से प्रस्फुटित हुआ है। जय सियाराम। जय सियाराम। Yeah.
महिमा परंपार जनाम राम सिया जय जय सिया राम षठ सुन भागे कपि पाए शक्ति कह सिया राम ऋषि करे भक्ति रामायण रचना आरंभा घटना ऋषि स्मृत की विभिन्ना उत अवध दुखी श्री रघुराई किस विध वैदेही विसराई राजसी सुख सब राघव त्यागे सीता सम श्री राम अभागे जो सिय सौंपी तांबूल कली का समय के संग भई सब शुष्का रात्र दिवस आए और जाए एक ऋतु आए ऋतु एक जाए भूमि जा सेवत कन्याए गर्भ दिवस भी चढ़ते जाए रामायण पूरन हो आई हर क्षण चौकन्ने कपिराई षठ की निराशा बढ़ती जाए कपि रहते अवसर नहीं पाए सब कुछ इतना अच्छा क्यों हो रहा है क्या होने वाला है आएगा मेरा आहार अब करूंगा मैं उसका भक्षण समय अपनी गति से चलता है दुख के बाद सुख भी अवश्य आता है आवश्यकता है तो केवल धैर्य की